जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज 16 मार्च और दोस्तों आपका आज का सी एस के अंदर 16

वीडियो को लाइक और शेयर करना और दोस्तों हंड्रेड परसेंट रियल क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे और बहुत ही अच्छी वीडियो जबरदस्त वीडियो रहने वाली है दोस्तों अगर आपने आज एग्जाम दिया तो ये वीडियो जरूर देखना और अगर आपका भी एग्जाम है नेक्स्ट शिफ्ट के अंदर तो भी आपकी वीडियो बहुत ही जबरदस्त आपके लिए रहने वाली है ठीक है क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से जो आपके आज एग्जाम में देखने को मिला है फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन देखिए कप का विजेता उप विजेता कौन रहा तो दोस्तों डूरट कप का विजेता कौन रहा सबसे पहले हम बात करेंगे विजेता की तो दोस्तों बेंगलुरु एफ सी ठीक है ना बेंगलुरु एफ सी इसकी विजेता रही उप विजेता दोस्तों मुंबई सिटी और एफ सी जो है वो उप विजेता रही दोस्तों विजेता बेंगलुरु एफ सी का कप्तान कौन है तो याद रखना सुनील छेत्री ठीक है और डूरेंट कप किस खेल के दिया जाता है तो दोस्तों याद रखना खेल फुटबॉल किस खेल में दिया जाता है डोरेंट कप इसकी शुरुआत कब की गई दोस्तों अठारह में डूर कप की शुरुआत शिमला से की गई थी कप के अंदर दोस्तों याद रखना तीन ट्रॉफी होती हैं राष्ट्रपति कप शिमला कप और कप इसके अंदर तीन कप शामिल किए गए ठीक है तीन ट्रॉफियों को शामिल किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स देखिएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था तो दोस्तों 1956 से 1961 ठीक है आपसे पूछा गया था इसका लक्ष्य उद्देश्य क्या था आपसे पूछा गया था तो इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों उद्योगों का विकास करना ठीक है तो 1956 से 1956 से लेकर 61 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा और इसके योजनाकार कौन थे यानी इसका जो मॉडल था वो किस पर आधारित था तो पीसी रखना पीसी महालोनोबिस मॉडल रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, है। फ्रेंड्स देखिएगा संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद से हटा दिया गया तो दोस्तों आर्टिकल 301 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और दोस्तों याद रखना चौवालीसवें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया है ठीक है तो जो संपत्ति का अधिकार है वो अब मौलिक अधिकार नहीं है वो अब क्या दो है दोस्तों विधिक अधिकार है ठीक है नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट है विवलंडन ओपन मेन्स दो पुरुष एकल खिताब को किसने जीता दोस्तों विवलन दो ओपन मेन्स दो मेंस का पुरुष एकल खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने

से विच मेटल एस मोस्ट सोनर डिग्री सेल्सियस तो आपका नेक्स्ट बंगाल का गवर्नर किया गया सत्रह में बंगाल का नियुक्त किया गया था वार्न हिस्ट्रिक्स को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया सत्रह में आप लोग याद रखना और सत्रह में इनको बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया ठीक है ना सत्रह में दोस्तों इनको बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था उन्नीस में गवर्नर और गवर्नर जनरल सत्रह सौ तिहत्तर में इनको बना दिया गया था ठीक है नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट है सौराज्य मेरा जन्म अधिकार है मैं इसे लेकर आऊंगा ये किसका कथन है दोस्तों ये किसका है बाल गंगाधर तिलक का ठीक है सौराज्य मेरा जन्म अधिकार है मैं इसे लेकर आऊंगा ये कहा था किसने बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है ठीक है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया दोस्तों तो याद रखना भगत सिंह ने ठीक है ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने दुश्मनों की गोलियों का सामना करेंगे ये दिया था चंद्रशेखर आजाद ने ठीक है ना दुश्मनों की गोलियों का सामना करेंगे ठीक है और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया तो फ्रेंड्स याद रखना सुभाष चंद्र बोस ने किसने सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स देखिएगा कोविड नाइनटीन में भारत की वैक्सीन कौन सी थी तो दोस्तों याद रखना कोविशील्ड कौन सी कोविशील्ड आप लोग फ्रेंड्स याद रखना और एक नृत्य फिर से आज रिपीट हुआ है घूमर नृत्य ये आज फिर पूछा गया है तो घूमर नृत्य दोस्तों किस राज्य का है ये राजस्थान का ये आपका चौदह तारीख को पूछा गया था ठीक है और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स देखिएगा नेक्स्ट है धोनी की चाल किसमें अधिकतम होती है तो दोस्तों धौनी की चाल सबसे अधिकतम किसमें होती है तो दोस्तों याद रखना ठोस के अंदर धोनी की चाल सबसे अधिकतम होती है आप लोग याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स देखिएगा ओजोन दिवस कब मनाया जाता है तो दोस्तों याद रखना मना दो पांच सितंबर को दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है और ये डॉक्टर सरव पल्ली राधाकृष्ण के जन्म दिवस को मनाया जाता है ठीक है ना राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है पांच सितंबर को चौदह सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है बीस सितंबर को आरपीएफ का स्थापना दिवस है दोस्तों रेलवे

बारह जुलाई 1982 को किसकी स्थापना हुई थी दोस्तों बारह जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना पूर्ण रूप है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसकी स्थापना हुई थी बारह जुलाई उन्नीस को दोस्तों मुख्यालय कहां पर तो मुंबई में स्थापना की गई बारह जुलाई उन्नीस में वर्तमान में अध्यक्ष कौन है दोस्तों नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष हैं श्री साची केवी ठीक है और प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों श्री एम रामकृष्ण ठीक है और प्रथम महिला अध्यक्ष अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी रंजना कुमारी ठीक है ना कौन थी दोस्तों रंजना कुमारी नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट है गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है दोस्तों गोलकुंडा का किला कहाँ पर है दक्षिण भारत में हैदराबाद नगर से पांच मील पश्चिम में स्थित है ठीक है नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट है पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है दोस्तों तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने लाइव क्लास में बहुत बार कराया है और बच्चे क्या कहते थे ये क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में और आज ये क्वेश्चन देखने को मिल गया है तो पृथ्वी की जुड़वा बहन दोस्तों शुक्र ग्रह को कहा जाता है क्यों कहा जाता है दोस्तों क्योंकि ये पृथ्वी के आकार में लगभग बराबर है और पृथ्वी के सबसे निकट है इसी वजह से इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है ठीक है और देखिए दोस्तों सबसे अधिक गर्म ग्रह अगर आपसे पूछा जाए सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है तो दोस्तों याद रखना शुक्र जो है ये सबसे गर्म है सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है तो दोस्तों याद रखना वरुण सबसे ठंडा है ठीक है ना सबसे गर्म हो जाएगा शुक्र और सबसे ठंडा हो जाएगा वरुण आकाश गंगा की दोस्तों आकृति कैसी है सर्पिलाकार कैसी दोस्तों सर्पिलाकार आकाश गंगा की आकृति है आप लोग याद रखना ठीक है और दोस्तों देखिएगा बुध का एक दिन पृथ्वी के कितने दिन के बराबर होता है तो दोस्तों याद रखना नब्बे दिन ठीक है बुध ग्रह का एक दिन बराबर होगा पृथ्वी के नब्बे दिन के बराबर दोस्तों बुध ग्रह जो है ये सूर्य के सबसे निकट है और सबसे छोटा ग्रह को। किसको कहते है किसको सौंदर्य का दोस्तों सबसे चमकीला है ठीक है।, है तो पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है दोस्तों शुक्र ग्रह को कहा जाता है या आप कह सकते हैं जुड़वा बहन भी ठीक है चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी घाट की ओर बहने वाली नदियां कौन सी है दोस्तों पश्चिमी घाट की ओर बहने वाली नदियां हैं महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी नर्मदा और ताप्ती ठीक है ना तो आपके ऑप्शन में क्या था नर्मदा ठीक है तो महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी नर्मदा और ताप्ती आपका आंसर हो जाएगा ठीक है चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अक्षार चूने के पानी में मौजूद होता है तो दोस्तों कौन सा होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो याद रखना सी एच की ट्वाइस ये क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मुला है ठीक है तो आपका आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो फ्रेंड्स आज के जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं आई होप फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और अगर आपका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है दोस्तों आप हमें कमेंट करिएगा आपको नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन मिल जाएंगे और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना और आप हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर लेना और दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है पीडीएफ के लिए मैं टेलीग्राम लिंक दे रहा हूं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में तब तक गुड बाय टेक केयर जय हिंद जय भारत मातरम